मैं एक महत्वपूर्ण बात संजीवनी क्रिया के संबंध में आपसे कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने समझ भी लिया है वो लोग भी इसका अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभ्यास उनका टूट जाता है। वो कहते हैं गुरुजी और कोई काम कह दो कि एक घंटा गीता का पाठ कर लो या रामचरितमानस का पाठ कर लो या कोई और पूजा कर लो, वो सब तो हो जाती है, लेकिन ये आँख बंद करके बैठना ये बड़ा मुश्किल लगता है। 5 मिनट में ही जो है सारे उपद्रव खड़े हो जाते हैं और ये आँख बंद करना संभव नहीं होता, खुलने लगती है, सारे विचार और तेज़ी से आते हैं। इसका कारण है कि बहुत सारा उपद्रव अशांति हमारे भीतर हमारे अवचेतन मन में दबे पड़े हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने अपने भीतर दबा रखी है। आप किसी को प्रेम करते हैं व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो दब जाता है आपके भीतर, वो टॉक्सिन बन जाता है, जहर बन जाता है। आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं प्राप्त नहीं कर पाते, दबा लेते हैं मन को, वो जहर बन जाता है। किसी पर क्रोध आता है, क्रोध कर नहीं पाते, दबा लेते हैं क्रोध को, वो भी जहर बन जाता है। ऐसे तरह तरह के मनोवेग 24 घंटे आपके भीतर पैदा होते हैं। आप उन मनोवेगों को दबाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि आपके ऊपर सांस्कृतिक परंपराएं हैं, परिवार की परंपराएं हैं, समाज के बंधन हैं। आप बहुत काम चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं, बहुत भावनाएं आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं, भीतर दबा लेते हैं, ये सब ईर्ष्य तिरछे बैठ जाते हैं। यही आपकी ज़िंदगी के सारे उपद्रवों का कारण है। इसीलिए आपके जीवन में तनाव है, इसीलिए आपके जीवन में अशांति है, इसीलिए आपके जीवन में 24 घंटे विचारों का आक्रमण है। आप 10 मिनट के लिए बैठो और देखो मन में क्या विचार आते हैं, लिखना शुरू करो और 10 मिनट जो जो विचार आते हैं अगर उनको लिख डालो एक कागज़ पर, तो आप शर्माओगे कि ये कागज़ आप किसी दूसरे को पढ़ा नहीं सकते हो, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं पढ़ा सकते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे खतरनाक विचार आपके आते हैं। क्यों? क्योंकि इतना सारा कुछ दबाया हुआ आपने। इसलिए जब तक ये जो कुछ दबा है कचरा भीतर, इस कचरे को बाहर नहीं करोगे तब तक ध्यान में आगे पहुँच पाना, जा पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है।